लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। ललितपुर के पाली में होली के त्योहार को शांति और सौहार्द से मनाने के लिए पाली थाना में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लेकर आपस में शांति और सौहार्द से होली मनाने की अपील की। पाली में एसडीएम व तहसीलदार ने विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर शांति बनाए रखने के लिए लोगों से बातचीत भी की। शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने कहा कि होली का पर्व आपसी भाईचारे का संदेश होता है। इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि रंग गुलाल उड़ाते समय बवाल ना करें ताकि होली का पर्व सुखमय तरीके से संपन्न हो। अगर नगर व क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के द्वारा अराजकता फैलाई या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कस्बों और गांव में हुड़दंग ना करने के मौजूद लोगों से अपील की। तहसीलदार विनोद कुमार ने कहा कि होली पर्व विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। जिन गांव में होलिका दहन का स्थान चुनित है वहां लोग उसी स्थान पर होलिका दहन करें। सभी ग्राम प्रधानों को अवगत कराया है कि अगर आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होती है या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अराजकता फैला रहा है तो जिसकी सूचना पाली थाना या आप हमसे संपर्क कर अवगत कराएं ताकि उस पर कानूनी कार्यवाही की जाए, कहीं भी बवाल ना हो इसके लिए पुलिस नजर रखे है। बैठक के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार चौरसिया ने एसडीएम को बताया कि गांव के जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाता है उस स्थान पर नगर के कुछ लोगों ने छप्पर रख दिया है जिससे होलिका दहन होने में परेशानी होगी। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए ललितपुर से श्याम स्वरूप दुबे की खास रिपोर्ट। होलिया